हेलो दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दो बड़े न्यू अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं अगर आप इंडिया हैं पाकिस्तान है, है बांग्लादेश श्रीलंका आप कहीं भी है अगर आप ओमान में जाना चाहते हैं ओमान में प्रवेश करना चाहते हैं तो क्या पी टेस्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं बता देना चाहता हूँ अगर आप अपने देश में या इंडिया में या पाकिस्तान में बांग्लादेश कहीं भी है तो आप कम से कम दो डोज़ वैक्सीन के लिए हैं और 14 दिन पूरा हो चुका है दूसरा वैक्सीन लिए हुए तो आप ओमान में जा सकते हैं बगैर पीसीआर टेस्ट कराए हुए पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों और दोस्तों बहुत सारे लोग एक सवाल करेंगे कि मैं दुबई में दो डोज़ वैक्सीन कर लिया हूँ तो क्या ओमान आ सकता हूँ तो वो भी लोग आ सकते हैं उनको भी पी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों और दोस्तों ओमान में अगर आप दो डोज वैक्सीन लेकर अगर मान लीजिए आप इंडिया चले गए हैं तो, तो भी आप फिर ओमान आएंगे तो भी पीसीआर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है आराम से आ सकते हैं दोस्तों और दोस्तों जो दूसरा अपडेट है मास्क को लेकर अगर आप ओमान में रहते हैं और खुले जगहों पे आप जा रहे हैं घूम रहे हैं तो आपको मास्क पहनने की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है आपकी मर्जी है आप मास्क पहने या ना पहने लेकिन दोस्तों जो दूसरा कंडीशन है अगर आप बंद जगहों में या मॉल में या दुकान में किसी तरह का शॉप में एंट्री कर रहे हैं जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको मास्क पहनना जरूरी है लाजिम है दोस्तों मास्क पहनना पड़ेगा और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि अब पूरी तरह से कोविड नाइन्टीन का खतरा अभी तक टला नहीं है इसलिए खुद भी बचे और दूसरे को भी बचाए दोस्तों फिर मिलेंगे लेंगे अगले वीडियो हम तब तक ले बाय बाय